देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपकी साथ सोनू शर्मा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रस्तावित महागठबंधन में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। ये झटका कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही देने की तैयारी में है। चाचा शिवपाल यादव द्वारा अलग राजनीतिक पार्टी के गठन के बाद अब पिता मुलायम सिंह यादव भी अखिलेश से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। रविवार को लखनऊ में आयोजित शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रैली में मुलायम सिंह यादव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय यात्रा पर रविवार को गोरखपुर पहुंचे। राष्ट्रपति का विशेष विमान रविवार की शाम 5 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलकर राष्ट्रपति सीधा सर्किट हाउस पहुंचे, जिसके बाद शाम में उन्होंने शहर के चुनिंदा लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद भोजन कर उन्होंने सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम किया। उनके साथ राज्यपाल राम नाईक भी सर्किट हाउस में ही रुके। राष्ट्रपति के गोरखपुर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह ही गोरखपुर पहुँच गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले हर पार्टी परेशानी में दिख रही है, वहीं अगर SP BSP साथ मिल जाती है तो कई पार्टियों की परेशानी और बढ़ सकती है। BJP अध्यक्ष अमित शाह ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर SP BSP साथ आती है तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ समस्याएं आएंगी। एक कार्यक्रम में सवाल जवाब के दौरान अमित शाह ने ये बात कही। भारी सर्दी पड़ने लगी है, इससे दिन में भी लोगों की कपकपी छूट रही है। रात होते ही दांत भी कटकटाने लगे हैं। भारी सर्दी के साथ सर्द हवाएं चलने से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और कोहरा छाए रहने की आशंका जताई है। मौसम करवट ले रहा है, सर्द हवाएं चलने के साथ नमी में सर्दी पड़ रही है। सुबह धुंध के साथ चलते ही धूप निकल रही है, वहीं दोपहर में धूप निकलने के बाद भी नमी के चलते लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दर्दनाक खबर सामने आई है। कोहरे के चलते कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। रामपुर में बरेली हाईवे पर ये भीषण हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते टैंकर गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इसके पीछे से आ रही एक कार भी उसमें घुस गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।